चौथी और बड़ी खबर का, हरियाणा में एक नंबर को का दिन ऐतिहासिक और खुशी का दिन होता है। आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1966 में पंजाब राज्य से एक नए प्रदेश हरियाणा का चयन हुआ था। इस साल 57वां हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और सभी प्रदेशवासी हरियाणा के विकास में सहयोग देंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा बहादुर जवानों, मेहनतकश किसानों और प्रतिभावान खिलाड़ियों की धरती है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी खबर पर आज हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हरियाणा 57 साल का पूरा हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हरियाणा मुझे हमेशा एक थोड़ी सी शिकायत रहती है, इंफॉर्मेशन सूचना जो है जी। वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। हरियाणा तो आज से 1000 साल पहले भी था, जब आदि शंकराचार्य भारत की भौगोलिक सीमाएं रेखांकित कर रहे थे। हरियाणा तो आज से 2500 साल पहले भी था, जब महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य विबुद्ध श्रीधर ने हरियाणा देश से असंख्य गांव नाम की पंक्ति लिखी अपने ग्रंथ में। हरियाणा तो आज से 2500 साल से पहले 5132 साल पहले भी था, जब महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ और गीता उपजी और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ही पवित्र नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। और हरियाणा तो मेरे ख्याल से लाखों साल पुराना है, रामायण कालीन हरियाणा है। तो हरियाणा का जन्म इसे हम नहीं कह सकते, हरियाणा का भौगोलिक जन्म इसे कह सकते हैं जी। क्योंकि तो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर दूं, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा कि हरियाणा जो है वो एक टाइम पे इतना बड़ा था कि दिल्ली जो है वो उसकी दिल्ली थी, दिल्ली थी, दिल्ली। हरियाणवी में दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं, तो हरियाणा जो है वो दिल्ली था, दिल्ली जो है दिल्ली था हरियाणा की। और राजस्थान, काफी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, पंजाब, पलवल से पेशावर तक हरियाणा था जी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे काटते 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 राजस्थान से काटा, हिमाचल से काटा, पंजाब एक अलग प्रांत बन गया, 300 साल पहले हिमाचल बना है। तो ये करते करते और एक टाइम ऐसा आया कि जब 1857 की क्रांति में हरियाणा के रणबांकुरों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया जी। तो उससे चिड़के अंग्रेजों ने हरियाणा को सजा के तौर पर पंजाब को दे दिया जी। और तब से हरियाणा की अपनी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। नहीं तो हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, हरियाणा तो पहले बिल्कुल हरियाणा ही था जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कभी इसको हैदराबाद के निजाम के अंदर डाल दिया गया जी, जब मुगलों का शासन था। कभी इसको इसकी राजधानी शिमला बना के अंग्रेजों ने इसे सूबे का एक पार्ट बना दिया। कभी ये अपना दौलत अपने राजस्थान में जो भरपूर रियासत है, कभी ये उसका पार्ट बन गया जी। कभी ये मराठा। एक और विनती आपसे करना चाहेंगे, आज हरियाणा 57 साल का होने जा रहा है और ऐसे में आप किस तरह से जो है आज प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देना चाहेंगे, दो बोल आप अगर गुनगुना कर हमारे जो दर्शक है उनको भी अगर आज बधाई दें। मैंने अभी लंदन में हरियाणा डे सेलिब्रेट किया, हमें साउथ हॉल में, और वहां पे एक हरियाणवी बैठक की जी, जिसमें मैंने गीत सुनाया। मैं आपको सुना देता हूँ कि बहुत होली आई तवज्जो जो हरियाणा में जी, दुनिया आई सीरियस लो हरियाणा में, हमने महाभारत अपनी छाती पर झेला था, और कारगिल का फाग हमने मर लहू पे खेला था, डेरिया के पापा लड़ते देखे भगवान बने में, दुनिया आयो ईब सीरियस लो हरियाणा में, सूखी रोटी खा खा के हम मेडल लाए थे,
जंगा में हम नहरी अपने लाल गवाए से समझो दर्द जदी कर जिंदर इन जाड़ा में दुनिया आलो ईव सीरियस लो हरियाणा में बेशक हसी ठठे मारे खूब मशहूर होए मेर सिंह लखमी मर के मसदूर दूर होए फिर भी राजनी कहो मारे तम सारे गाड़िया ने दुनिया आलो ईव सीरियस लो हरियाणा में मारे हरियाणा में हरे हरियाणा में जी वाकई बहुत खूब गाना ये आपने गाया और हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा। और जिस तरीके से जो है हरियाणा के जो कलाकार हैं वो अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं, इसमें किस तरह का अनुभव आपका रहा, किस तरह से जो है आपने अपनी शुरुआत की और फिर आप आज जो है इतने मशहूर कलाकार बने? आज से 26 साल पहले मैंने अपनी जो सांस्कृतिक यात्रा थी अपने कॉलेज से शुरू की थी और यूथ फेस्टिवल्स के दौरान मैं उसमें ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट प्ले करता रहा और सिंगिंग में गाता रहा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी इस वर्ष 2022 का जो रत्नावली फेस्टिवल है जिसे पहले हरियाणा डे सेलिब्रेशन के नाम से जाना जाता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, वो अब रत्नावली के नाम से जाना जाता है, उसमें आज से ठीक 25 साल पहले मैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर वहां पे आया था कॉम्पिटिशन से। और अभी इसी 29 तारीख को मेरा वहां पे लाइव शो था तो उन्होंने एज ए सेलिब्रिटी सिंगर मुझे बुलाया था। तो मैंने वहां पर एक बात कही कि फिर से आएंगे नगमों की सिलती कलियां सुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, जीवन यात्रा है, आज मैं हूं कल कोई और होगा, आज आप एंकर कर रही है कल कोई और एंकर करेगा, लेकिन जीवन यात्रा है। हरियाणा इतना महान और इतना ऐतिहासिक प्रदेश रहा है कि हजारों सालों की संस्कृति का तो खुद ये गवाह रहा है। तो मेरा हरियाणा, इस हरियाणा के बारे में पढ़ पढ़ के गा गा के ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सबसे पहला जो मेरा हिट गीत था 1997 25 साल पहले जित छत्र बोरला ढूंगे बतामन दूध दे खाना, इसे एनडी मारा हरियाणा, मुझे एनडी हरियाणा के नाम से जानने लगे थे उस टाइम पे। और आज भी एसएससी के क्वेश्चन में अगर कोई सवाल आता है कि हरियाणा का एनडी छोड़ा कौन है तो मेरा ही नाम उसमें अंकित होता है। सो मैंने तो हरियाणा संस्कृति से ही प्रचार प्रसार मिला था मुझे तो, और मैं तो इस हरियाणा का कर्ज कभी भी चुका ही नहीं पाऊंगा क्योंकि हरियाणा में मेरे को बहुत बहुत एहसान किए हैं, हरियाणा के नागरिकों के, दर्शकों के, मेरे फैंस के बहुत मेरे पे एहसान है। तो उसके बाद पानी अखियां का बम लहरी तेरी फोटू सपोटा पैसोरी स्कूटी आड़ी बहु काले की सैकाली कोठी में नहीं लगता जी जैसे गानों को प्यार देके मुझे आज तक, मेरी उम्र आज 46 साल है, उसके बावजूद भी मैं अगर आज नौजवान गायकों की श्रेणी में आता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे दर्शक और मेरा हरियाणा मुझे अब तक फ्रेश रखे हुए। गजेंद्र फोगाट जी, खास बात ये भी है कि जिस तरह से हरियाणा को तो 57 साल पूरे हो ही रहे, हर खबर को भी 1 साल पूरा हो चुका है। अगर आपको याद हो तो इनॉग्रेशन में आप भी जो है सीएम साहब के साथ जो है वहां पर पहुंचे थे, आज किस तरह से आप हमारे दर्शकों को और हमारी पूरी टीम को भी जो है 1 साल बेमिसाल पूरे होने पर बधाई देना चाहेंगे? ना केवल हरियाणा की, ना केवल आपके हर खबर का 1 साल हुआ है, हमारी सरकार का भी, हमारे सीएम साहब का भी कुशल नेतृत्व के 8 साल पूरे हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी और उनकी सारी टीम को, पूरे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं और आपके चैनल हर खबर को भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है जब मैं वहां पे पहुंचा था तो आपने मुझे पगड़ी से सम्मानित किया था, वहां पे जो कलाकार थे उन सब भाइयों के साथ बैठ के हमने बहुत अच्छी गर्मा गर्म कॉफी पी थी जो आपके चैनल में उपलब्ध कराई थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूंगा कि हर खबर हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहे और अपने दर्शकों को सही और सटीक खबरें देता रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए और बधाई हमें देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।